आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बिहार चुनाव पर बीफ विवाद का बवंडर हर घंटे बड़ा होता जा रहा है, उसकी चपेट में हर बड़ा चेहरा आता जा रहा है, शामिल होता जा रहा है। लालू प्रसाद के बीफ बयान को लेकर पहले से ही बैकफुट पर चल रही आरजेडी की मुश्किलें अब पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान ने बढ़ा दी है। रघुवंश ने यह कहा कि ऋषि मुनि भी खाते थे बीफ और इसके बाद तो मानो सियासत से लेकर धर्म गुरुओं तक नया अखाड़ा खुल गया है। वेद पुराण में क्या सब लिखा, ऋषि महर्षि भी खाते थे पहले के जमाने में। जो मांस खाता है उसको गाय और बकरा से क्या फर्क है भाई। ये बिहार चुनावों की बानगी भर है। बयानों के लिहाज से बिहार चुनाव का स्तर हर बीतते दिन के साथ गिरता जा रहा है। बिहार के चुनावों के मुद्दों से ज्यादा इन दिनों बीफ को लेकर बयानों पर चर्चा हो रही है और इस कड़ी में आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद ने एक और विवादित बयान दे दिया है। रघुवंश ने मुजफ्फरपुर में कहा कि ऋषि मुनि भी बीफ खाते थे। ना वो सब बयान वान का लोग का कोई मतलब है, वो एकेडमिक बहस है। वेद पुराण में क्या सब लिखा, ऋषि महर्षि भी खाते थे पहले के जमाने में। लेकिन इस सब में अभी चुनाव के समय में एकेडमिक बहस की जरूरत नहीं है। बीफ को लेकर विवादित बयान का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद भी बीफ को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। इस बयान के बाद बिहार चुनावों में एक नई सियासत शुरू हो गई और खुद पीएम से लेकर तमाम विरोधी नेता लालू को घेरने लगे। हालात ऐसे बने कि लालू को खुद बार बार अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी और अब रघुवंश प्रसाद सिंह के इस बयान से विरोधियों को एक बार फिर महागठबंधन पर निशाना साधने का। रघुवंश प्रसाद के इस बयान पर साधु संतों ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी नरेंद्र गिरी जहां उन्हें पढ़े लिखे अशिक्षित बता रहे हैं, वहीं स्वामी जितेंद्रानंद ने यह कहा है कि ऋषि मुनियों के खिलाफ ऐसा बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। तो आपने देखा किस तरह से रघुवंश प्रसाद के बयान की कड़ी निंदा की बीजेपी के नेताओं ने, लेकिन पूरे विवाद पर लालू प्रसाद यादव से बात की हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने, क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। पहले दौर के चुनाव का आज आखिरी जो है वो कैंपेन का दिन है और लालू जी आज निकले हुए हैं, 8-8 रैलियां वो करने वाले हैं पूरे आज जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, आखिरी दिन है आज लालू जी। अमन अभी और है, आखिरी के अलावे भी और क्षेत्र है, जाफराबाद तक जाना है। प्रधानमंत्री आके आपको इतना कुछ बोल जाते हैं? प्रधानमंत्री डेड हो गया है, बड़ा विचार हो गया, वो खत्म हो गया ना, फिर स्टेशन में है। जब आदमी जब हारने लगता आदमी ना तो यही बोली बोलता बोलते हैं कि शैतान है आप, शैतान। हाँ तो ब्रह्म पिता से वो कोई शैतान है दूसरे को, कोई शैतान है दूसरे को शैतान बोल सकता है। प्रधानमंत्री भी शैतान, अब हम नहीं कहते कोई शैतान है, ब्रह्म पिता से वो। आपको लगता है इस तरह की भाषा जो प्रधानमंत्री आपके लिए इस्तेमाल करते हैं सही है? किसी के लिए ये बात शोभा नहीं देता। सर बिहार में कितने दिनों के अमित शाह भी आपको बहुत कुछ बोलते हैं? हमेशा नरभक्षी है, चलो बोल चो हट हट जा। आखिरी तो क्या लगता है 180 सीट आएगा? 180 सीट पक्का। तो ये थे लालू यादव जो बता रहे थे कि जिस तरीके की भाषा प्रधानमंत्री भी उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही नहीं है, और उनका मानना है कि अगर वो प्रधानमंत्री लालू को शैतान कहें तो लालू का कहना है कि प्रधानमंत्री भी शैतान है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, नवादा आज तक।